इस बार गेहूं व सरसों की बंपर पैदावार के चलते अनाज मंडी में फसलों की आमद जोरों पर है। गत दिनों बेमौसमी बरसात होने के कारण किसानों को चिंता सता रही है कि बरसात ना आ जाए, जिस कारण किसान अपनी फसल खेतों में सीधे मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी मार्केट के रिकॉर्ड के अनुसार इस बार आमद में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। कमेटी के सचिव मेजर सिंह सिंधु ने बताया कि बंपर पैदावार के चलते अनाज मंडी अप्रैल माह में सरसों की आमद रिकॉर्ड में तेजी से वृद्धि हुई है। इस बार 21,263 क्विंटल सरसों की आमद आ चुकी है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में 11,187 क्विंटल सरसों की आमद आई थी। इस तरह 14 अप्रैल तक कलावली व अन्य खरीद केंद्रों पर करीब 1,20,000 क्विंटल गेहूं की आमद आ चुकी है। सचिव ने बताया कि अप्रैल माह में इस बार 5,642 क्विंटल नरमा की आमद आ चुकी है, जबकि गत वर्ष 1,158 क्विंटल की आमद आई थी। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कमेटी को जो मार्केट फीस तय किया गया था, कमेटी द्वारा लक्ष्य से 38 लाख रुपये अधिक फीस जमा करवाई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। उन्होंने बताया कि गेहूं के सीजन को लेकर कमेटी द्वारा बिजली पानी की पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी फसल को साफ सुखा कर मंडी में लेकर आएं, ताकि किसानों को फसल बेचने के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कलावाली से किसान सिंह गुजर। हमारी पिछले साल के मुकाबले इस बार 10,000 क्विंटल ज़्यादा आई है। पिछले साल 11,187 क्विंटल, इस बार 21,263 क्विंटल, 10,000 क्विंटल प्लस हुई। क्विंटल हमारी जनवरी के महीने 9,400 क्विंटल ज़्यादा सी, फरवरी में 3,700 क्विंटल ज़्यादा सी, मार्च में हमारी 2,911 क्विंटल और आज तक हमारी 3,134 क्विंटल। पिछली बार हमें मार्केट में का जो टारगेट थे वो 11,82,00,000 का था, और अब इस बार हमने उसको 12,23,00,000 से ज़्यादा कर दिया, जो लगभग 38 लाख। मंडी में गेहूँ के सीजन को देखते हुए हमारे पूरे प्रबंध किए हुए हैं। हमारी परली मंडी जो डिशनल मंडी, इसमें दो सुलभ चाल है, चार जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, चार जगह हमारे प्याऊ लगे हुए हैं। इस मंडी में हमारे सुलभ चाल है, चार वाटर कूलर लगे हुए हैं और लाइट का पूरा प्रबंध है, सेक्टरों का पूरा प्रबंध है।